कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान आदरणीय श्री लड्डा साहब, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विवेक सेजवलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण आदरणीय प्रद्युम्न जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे ग्वालियर के वरिष्ठ समाज से भी आदरणीय दूताबत साहब, आदरणीय गंगवाल साहब, हमारे सबके आदरणीय केंद्र आदरणीय मामी जी भारत सिंह कुशवाहा जी, रणजीत सिंह रावत जी, मनोज तोमर जी, जय सिंह कुशवाहा जी, महेंद्र सिंह यादव जी, हमारे रमेश खड्डीक साहब, मुन्नालाल गोयल जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, सूबेदार सिंह जी, लोकेन पारासर जी, जयप्रकाश जी और हमारे पंडित जी आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, बहन सरला रावत जी, योगेश पाल गुप्ता जी, कौशल जी, महेश मुद्गल जी, कटारे जी, माखी जानी साहब, विनोद जी, देवेश शर्मा जी, वीरेंद्र जैन साहब, अरुण जी, बहुत लोग बैठे, अशोक गोयल जी, राजू भाई, पूरे मंच को और आप सब लोगों को मैं सर झुकाकर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में स्वागत का बहुत महत्व बढ़ गया है और कोई भी अवसर आए तो यह स्वागत चाहो न चाहो लेकिन पीछा छोड़ता ही नहीं। मैं ग्वालियर का नागरिक हूं, ग्वालियर का कार्यकर्ता हूं और ग्वालियर के लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सिखाया, इतना पढ़ाया कि शायद कोई व्यक्ति लंबे जीवन में कल्पना भी नहीं कर पाता होगा जितना स्वागत आप सब लोगों ने इस देश भर में मेरा करा दिया। अब मैं कोशिश करता हूं कि जीवन के उतराव में स्वागत से थोड़ी मुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन होता यह है कि अभय चौधरी जी जैसे लोग, वेद प्रकाश जी जैसे लोग मानते ही नहीं। कुछ ना कुछ आयोजन करें और स्वागत सत्कार हो। आज आप सब लोगों ने मेरा यह अभिनंदन करना तय किया और मेरे बारे में बहुत सारी बातें भी यहां कही गई और मुझे लगा कि मुरैना से मुझे गालब सभागार में जाना है लेकिन मुरैना से निकलते ही निकलना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों का स्वागत लिया, कुछ लोगों का नहीं लिया। मुझे लगा कि सर्दी का समय है, बहुत सारे हमारे पुराने बुजुर्ग लोग भी आएंगे, लेट हो जाऊंगा तो दिक्कत होगी।
लेकिन आप सब ने जो स्नेह प्रकट किया है, जो फूल मालाएं अभी तक दी हैं, या इसके बाद भी अशोक जी ने कहा देने वाले हैं, सामान्य तौर पर पुष्प लेना यह प्रसन्नता का विषय नहीं। एक पुष्प व्यक्ति खरीदता है और जब किसी व्यक्ति को देता है, और अगर ग्रहण करने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के हृदय के उस फूल के पीछे उद्गार को एहसास कर सकता है, तो ये प्रसन्नता का विषय नहीं, जवाबदारी बढ़ने का विषय होता है। तो आप सबके स्वागत ने मेरी और जवाबदारी बढ़ाई। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जो अपेक्षा आपकी मुझसे रही है या आने वाले कल में भी है, मैं कोशिश करूंगा उस अपेक्षा पर खरा उतरूं। और जो विश्वास और रिश्ते आपका है, उसका निश्चित रूप से मुझ पर ऋण भी है। जीवन की अंतिम सांस तक इस ऋण को चुकाने का ईमानदारी से प्रयत्न करता हूं। हम सब समाज के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। अभी रामकुमार कटारे जी मुझे बोल रहे थे कि सब लोग राजनीतिक बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिक बात कोई नहीं कर रहा। अब कार्यक्रम ही भौतिकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सब ये जानते हैं भौतिकता की अग्नि में दग्ध होकर भी सार्थक जीवन बिना आध्यात्मिकता के जिया नहीं जा सकता। और इसलिए मेरे कई मित्र यहां बैठे हुए हैं जो बचपन से वेद प्रकाश जी, जयसिंह जी, विवेक सेजवलकर जी भी हमारी यात्रा के साक्षी हैं। उनकी उम्र मेरे से 10 साल बड़ी है, लेकिन उन्होंने बचपन से मुझे देखा है। बहुत बड़ी मालिका है। पुराने पुराने लोग आज मुझे रास्ते में मिले, जो आमतौर पर आजकल कभी कभी शादी ब्याह में मिल जाए तो मिल जाए, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं मिलते। तो उन्हें देखकर निश्चित रूप से मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। तो जब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, जो हमारे लिए करे तो हम उसके लिए करें। इसी थ्योरी पे ज्यादातर लोग चलते हैं। और बेसिक रूप से जो राजनीति में है वो तो बहुत तौल नाप के हिसाब चुकाते हैं। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ऐसा मानता हूं कि अगर कार्यकर्ता के रूप में आपने अपने आप को योग्य रूप से निर्माण कर लिया और दल ने और समाज ने आपको अवसर दिया किसी प्लेटफॉर्म पर काम करने का, तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को यह लगता है
कि यह उसके परिश्रम और योग्यता के कारण मिला। योग्यता कम लोगों में नहीं होती, बहुत लोग योग्य होते हैं। सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन सबको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जिनको स्थान मिलता है, लेकिन जिसे मिलता है अगर वह यह समझ गया कि उसके योग्यता के कारण है, तो समझ लो कि फिर वह अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाता। आज कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे लगा कि वो मेरे कारण आया है, यह मेरी सर्वदा भूल है। वो मेरे यहां इसलिए आया है कि ईश्वर ने तुझे इस लायक बनाया है कि वो तेरे यहां जाए। अब तुम्हारे घर आया तो वो ईश्वर ने भेजा है, अब तुम चाहो उसका हिसाब किताब लगाओ तो ये आपकी मूर्खता है। जो भेज रहा है वही हिसाब लिख रहा है और वही समय पे चुका देता है। हम लोग दीन दुनिया में भटकते रहते हैं, इसलिए मैं कई बार राजनीतिक क्षेत्र में वर्गों में भी ये बोलता रहता हूं कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो ऐसा मानकर चल लो कि जो वोट इस बार आपको मिला है अगले बार आप कितना ही अच्छा काम करोगे 10-15% उसमें से वोट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए निरंतर बर्ताव ऐसा रखो कि वो 10-15% की पूर्ति समय पर हो सके अगर आपको अवसर मिले तो। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि भाई कोई व्यक्ति विरोध में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में काम कर रहा है। अब अपन चुनाव जीत गए, वो आया, लोग कहने लगते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यही गलतफहमी है। यहां बहुत सारे सार्वजनिक जीवन के लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं कि जीसस ने मेरा विरोध किया, वो अगर मेरे दरवाजे पे आया तो मैंने ज्यादा ध्यान देके उसका काम करने की कोशिश की और मैंने ये अपेक्षा उससे कभी नहीं की कि वो अगले चुनाव में मेरा काम करेगा। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि अरे ये तो ऐसा कर रहा था और आपने इसका काम कर दिया। मैंने कहा मैंने इसका काम इसलिए किया कि मेरा हिसाब रखने की औकात इसकी नहीं है, मेरा हिसाब रखने वाला दूसरा है। और जब ये विरोध करने के लिए अगले चुनाव में आएगा तो इसके विरोध को काटने के लिए वो इससे चौगने आदमी भेजेगा जो मेरी मदद करेगा। तो सामान्य तौर पर सार्वजनिक जीवन में वैचारिक दृष्टि से भी परिपक्व होना चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिपक्व होना चाहिए। अगर भीतर विचार कमजोर है तो पद हावी होगा और अगर विचार मजबूत है तो हमेशा पद छोटा रहेगा, और अगर पद छोटा रहेगा तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा तो आपका जीवन ज्यादा सार्थक होगा। तो इसलिए
जहां भी काम कर रहे हो मिशन मोड पर काम करो। जिस मिशन के लिए काम करना तय है उस मिशन के लिए ईमानदारी से जियो। आपको काम करने में कभी कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मिशन कमजोर हुआ प्रॉब्लम शुरू, और साथ में आध्यात्म का सहारा अपने पास रखो। महेश मुद्गल जी यहां बैठे हुए मेरी बहुत चिंता करते रहते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा तुम जो कह रहे हो उससे कुछ होएगा नहीं, करने वाला दूसरा ही है। तो इसलिए विचार के लिए जियो, आध्यात्म के साथ जियो, और जब तक जियो तब तक जनता का कर्ज ईमानदारी से उतारते चलो। आप सब इतनी बड़ी संख्या में सर्द हवा में यहां उपस्थित हुए, आपने स्वागत किया, सत्कार किया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, ये निश्चित रूप से मेरे लिए अमूल्य पूंजी है, पद पूंजी नहीं है, परिवार पूंजी नहीं है, यात्रा पूंजी नहीं है। आपके मन में जो इतनी सी जगह है वो मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका ये स्नेह इसको मैं संजोकर रखूंगा। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि कभी भी मिशन से मैं हिलने की सोचूं भी तो आपका यह फूल दीवार बनकर मेरा रास्ता रोके। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए मुझे स्नेह दिया, मैं हृदय की गहराइयों से पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं मेरे शरीर का एक एक कण और जीवन का एक एक पिल आप सबकी सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए